मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आप देख सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक्सटेंडेड सरफेस या फिर फिन्स के बारे में बात करेंगे। फिन्स की मदद से या फिर एक्सटेंडेड सरफेस की मदद से हीट ट्रांसफर रेट को किस तरह इंक्रीज किया जाता है, फिन्स की मदद से किस तरह एयर कूलिंग की जाती है, उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो लास्ट तक आप बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, फिन्स की मदद से हीट ट्रांसफर रेट को इंक्रीज किया जाता है इंटरनल कंबशन इंजन्स में, इलेक्ट्रिक मोटर्स में, ट्रांसफॉर्मर्स में, लाइट्स में, पावर प्लांट्स में, इकोनोमाइजर्स में, बहुत सी जगह आप फिन्स को देख सकते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं, तीन मोड होते हैं हीट ट्रांसफर के, थ्री मोड्स होते हैं हीट ट्रांसफर के, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। और हीट ट्रांसफर को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास तीन मेथड हैं। पहला मेथड यह है कि हम टेम्परेचर ग्रेडियंट को चेंज कर सकते हैं, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, दो बॉडीज के बीच में जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा, हीट ट्रांसफर रेट उतनी तेजी से होगा, हीट ट्रांसफर उतना तेजी से होगा। तो हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर और इंक्रीज कर सकते हैं या फिर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और डिक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज हो जाए। लेकिन बहुत से केसेस में ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा तरीका हीट ट्रांसफर रेट को इंक्रीज करने का वह है कि हम अपना कंडक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशियंट या फिर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशियंट की वैल्यू को चेंज कर दे। उसके लिए हमें मटेरियल को चेंज करना पड़ेगा, फिर सराउंडिंग में जो गैस है उसे चेंज करना पड़ेगा, जो कि बहुत हद तक पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा जो तीसरा सबसे इफेक्टिव तरीका है हीट ट्रांसफर रेट को इंक्रीज करने का, वह यह है कि जिस बॉडी से हमें हीट ट्रांसफर रेट को इंक्रीज करना है उसका एरिया बहुत बड़ा कर दिया जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड या ज्यादा से ज्यादा एयर उस बॉडी को टच होए और ज्यादा से ज्यादा हीट उस बॉडी से ट्रांसफर होए। लेकिन डायमेंशन कंस्ट्रेंट्स के कारण यह भी कर पाना कुछ हद तक पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हम फिन्स या फिर एक्सटेंडेड सरफेसेस का यूज करते हैं हीट ट्रांसफर रेट को इंक्रीज करने के लिए। फिन्स की मदद से बेसिकली सरफेस एरिया को, बॉडी के सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाता है, जबकि बॉडी के ओवरऑल साइज में, ओवरऑल डायमेंशन में ज्यादा फर्क नहीं आता। बॉडी से थोड़ा सा मटेरियल एक्सटेंड कर दिया जाता है, जिससे कि बॉडी का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उसे ही हम फिन कहते हैं। आप मेरे हाथ में ये इंटरनल कंबशन इंजन का सिलेंडर ब्लॉक देख सकते हैं और इसमें आप फिन्स देख सकते हैं। फिन्स की मदद से सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया जाता है, जिससे कि हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज हो जाती है। यूनिफॉर्म स्ट्रेट फिन्स होती हैं, टेपर्ड फिन्स होती हैं, स्प्लाइंस होती हैं, एन्यूलर फिन्स होती हैं और पिन फिन्स भी होती हैं। मेरे बगल में आप फिन का डायग्राम देख सकते हैं। तो बॉडी है जहां से यह फिन जुड़ी हुई है, उस जगह को बेस कहा जाता है, और फिन का जो दूसरा कोना है उसे टिप कहा जाता है। टेम्परेचर जैसे जैसे आप बेस से फिन की तरफ आएंगे कम होते जाता है, और फिन की टिप में टेम्परेचर सबसे कम रहता है और फिन की टिप के आसपास ही सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर रेट रहता है। टेपर्ड फिन्स का ज्यादातर यूज किया जाता है। टेपर्ड फिन्स की विड्थ बेस के पास ज्यादा रहती है और टिप के पास कम रहती है। टेपर्ड फिन्स का सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर रेट रहता है। फिन्स की परफॉर्मेंस को एवेल्यूट किया जाता है इफेक्टिवनेस से, फिन कितनी ज्यादा इफेक्टिव है उससे फिन की परफॉर्मेंस को एवेल्यूट किया जाता है। फिन की इफेक्टिवनेस रेशियो होती है हीट ट्रांसफर रेट का, जब फिन लगा हुआ है बॉडी में और जब बॉडी में फिन नहीं लगा हुआ है। तो फिन लगने के बाद कितनी ज्यादा हीट ट्रांसफर हो रही है बॉडी से, वह फिन की इफेक्टिवनेस हमें बताता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने फिन्स के बारे में बेसिक्स बात की, फिन्स कैसे काम करती है, फिन्स की मदद से किस तरह हीट ट्रांसफर रेट को इंक्रीज किया जाता है, मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जल्दी मिलेंगे। जय जवान, जय किसान।